खबर उत्तर प्रदेश के झांसी से है। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिला अस्पताल के सामने खून से भरे सैंपल मिले हैं। सैंपल के साथ जांच करने वाली स्ट्रिप भी मिली है। फिलहाल पूरे मामले का खुलासा नहीं हो पाया है, तो वहीं चिकित्सा विभाग में इसके बाद हड़कंप मच गया है। उत्तर प्रदेश के झांसी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सड़क पर सैंपल की ट्रे बिखरी पड़ी मिली है। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। उत्तर प्रदेश के झांसी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिली है। जिला अस्पताल के सामने खून से भरे सैंपल बिखरे पड़े मिले हैं। सैंपल के साथ जांच करने वाली स्ट्रिप भी पड़ी मिली है। बड़ी लापरवाही उत्तर प्रदेश के झांसी में देखने को मिली है। घटना की सूचना के बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया है। वहीं इस पूरे मामले का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमरीश सिंह फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अमरीश, क्या कुछ पूरा मामला? आशीष, जैसा कि बता दें, आज झांसी में पहला मरीज पकड़ा गया है पॉजिटिव। इससे पहले झांसी में अभी तक एक भी मरीज नहीं था। आज जहां पहला मरीज आया है, वहां पे सबसे बड़ी बात ये देखने को मिल रही है वो ये है कि जहां पे अभी तक सैंपल टेस्टिंग हो रही थी, वहां पे खून की स्ट्रिप्स वगैरह मिली है जी। अगर पहली चीज तो ये जो प्रशासन पर सवाल उठ रहा है वो ये है कि अगर ये स्ट्रिप किसी भी पॉजिटिव मरीज की है, तो उसपे जो आस पास का क्षेत्र है या जो वहां से गुजरने वाले हैं, वहां रहने वाले हैं जी, वो कितना प्रभावित हुए हैं? प्रशासन इस जवाब को का देने में कतरा रहा है, लेकिन फिर भी हमारा सवाल जो है वो सबसे बड़ा ये है कि ये स्ट्रिप में अगर किसी भी कोरोना पॉजिटिव मरीज का खून है जी, तो जो आसपास रहने वाले निवासी हैं या जो वहां के डॉक्टर्स हैं, स्टाफ है, वो किस हद तक प्रभावित होंगे और शहर को कितना प्रभावित करेंगे जी? इसके अलावा मवेशी भी इसके आसपास मंडरा सकते हैं, उससे भी संक्रमण फैल सकता है, ऐसा भी संभावनाएं जताई जा सकती है जी। आसपास बहुत से मवेशी हैं, उसके अलावा जो वहां पे मरीज एडमिट हैं, उनके तीमारदारों का भी आना जाना लगा रहता है जी। और इसके अलावा वहां पे आसपास का जो सराउंडिंग एरिया है कैंपस का, वहां पे मवेशी भी आते जाते हैं, लेकिन मवेशियों से अगर दूर हटा जाए तो जो स्टाफ है जो दिन भर वहां पे कचरा फेंकता है, जो वहां के स्वास्थ्य कर्मी है, स्वच्छता कर्मी है, उनका दिन भर वहां आना जाना लगा रहता है। इस संबंध में किसी चिकित्सा अधिकारी से बातचीत हुई आपकी? जी, किसी भी अधिकारी ने अभी तक इस मसले पर कुछ भी नहीं बोला है, क्योंकि जब ये संज्ञान में आया हमारे, तो सबसे पहले वहाँ की सफाई करवाना उन्होंने जरूरी समझा कि कहीं ये मामला अधिक तूल ना पकड़ ले जी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता अमरीश सिंह, जिन्होंने लेटेस्ट अपडेट दी। पूरे मामले में कोई भी अधिकारी बोलने से बच रहा है।